सुप्रभात, मैं ऋषभ और आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के खास कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत को उन्होंने 1881 में रचित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। 1937 में गीत के पहले दो छंदों को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा अपनाया गया था। भारत की आजादी के बाद 1950 में इन्हीं छंदों को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। आज के दिन प्रत्येक वर्ष शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को शिशुओं की सुरक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाना और शिशुओं की उचित देखभाल करके उनके जीवन की रक्षा करना है। विश्व भर में नवजात शिशुओं की उचित सुरक्षा व देखभाल न होने के कारण वह काल के गाल में समा जाते हैं। आज के दिन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। यह रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में दर्ज है। इस क्रांति ने सामंतों और पूंजीपतियों की आर्थिक और सामाजिक सत्ता को समाप्त करते हुए विश्व में मजदूर और किसानों की प्रथम सत्ता स्थापित की। इस क्रांति ने समाजवादी व्यवस्था को स्थापित कर स्वयं को इस व्यवस्था के जनक के रूप में स्थापित किया। आज के दिन 1954 में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार कमल हसन का जन्म हुआ था। 2014 में पद्मश्री से सम्मानित कमल हासन भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित अभिनेता हैं। उनके नाम सर्वाधिक 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार तथा 1 सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार पाने वाले अभिनेता होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके अलावा कमल हासन 5 भाषाओं में रिकॉर्ड 19 फिल्मफेयर अवार्ड जीत चुके हैं। आज के दिन सन 2000 में भारत में हरित क्रांति के जनक चिदंबरम सुब्रमण्यम का निधन हुआ था। चिदंबरम एक भारतीय राजनेता और स्वाधीनता सेनानी थे। वह भारत सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और खाद्य व कृषि मंत्री भी रहे। उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल भी बनाया गया। उन्होंने M.M. स्वामीनाथन, बी शिवरमन और नॉर्मन ई बारलोर के साथ मिलकर हरित क्रांति आरंभ की और देश को खाद्यान्न उत्पादों से स्वावलंबी बनाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।